हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दावते जायका में। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पफ। घर पे बनाएंगे और बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। ये 200 ग्राम हमने मैदा लिया है, 2 चम्मच हमने देसी घी डाला था, आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने नमक डाला है और 1 चम्मच मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने हाथों से और फिर हम नॉर्मल सा एक डो बना लेंगे। जैसे हम रोटी का बनाते हैं ना आटा, वैसा ही बनाएंगे। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और एक नॉर्मल सा डो बना लेंगे, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा ढीला। बहुत ही टेस्टी पैटीज बनेगी और बहुत ही मज़ेदार। बच्चे तो दीवाने हो जाएंगे, आपसे बार बार रिक्वेस्ट करेंगे बनाने के लिए, आपके पीछे ही पड़ जाएंगे। चलिए हम डो बना लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखाती हूँ आगे। हमारा डो तैयार है, इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आधा घंटा भी आप छोड़ सकते हैं। जब तक हमारी स्टफिंग होगी मैं सिर्फ उतनी ही देर छोड़ूंगी। डो हमारा तैयार है, आटा हमारा बिल्कुल रेडी है। हम एक सूखे किचन टॉवल से ढक के रख देंगे। हमें ज़्यादा देर नहीं छोड़ना, इसलिए मैं ये टॉवल गीला नहीं करूँगी। सरसों का तेल गर्म हो चुका है हमारा, हम इसमें चिकन चंक्स डाल देंगे। अगर आप नॉन वेज नहीं खाते, चिकन्स का नहीं बनाना आपको, तो आप सोयाबीन भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होगा। चिकन को हमें नॉर्मल आधा पका लेना है, ना नमक डालेंगे ना हम कोई मसाला ऐड करेंगे अभी, और फ्लेम गैस की फुल रखेंगे। हाथ से चेक कर लेंगे, अगर चिकन हमारा आधा पक गया है तो हम एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि हमें अपनी सब्जियों में क्रंच चाहिए, तो हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे ना ही कलर चेंज करेंगे। एक से दो बार चलाएंगे, जब हमारा प्याज थोड़ा सा सॉटे हो जाएगा तो हम इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची भी ऐड कर देंगे। अगर आपके पास शिमला मिर्ची रेड हो, येलो हो, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। हमारे पास ग्रीन थी, हमने ग्रीन डाली है और इसे भी हम वैसे ही थोड़ा सा पका लेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। अगर आपको बाजार जैसी टेस्टी बनानी है तो आपकी सब्जियां ओवर कुक नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं डालने। एक हमने लाल टमाटर बारीक काट के डाल दिया है, कलर और टेस्ट दोनों के लिए। टमाटर के हमने बीज नहीं डाले हैं, सिर्फ खाली स्किन डाली ऊपर से, और 1 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ। और अगर आपके पास पास्ता सॉस हो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास टमाटो सॉस है, मैं वो डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच। और 2 छोटे छोटे शीशे हमारे पास ऑर्गेनो को पड़े थे तो वो मैं डाल रही हूँ ऑर्गेनो। और ये सब डाल के हम मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। बस गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे अब और इसे ठंडा कर लेंगे। बस मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है और ये सारी सब्जियां हमें अपने गैस की फ्लेम फुल पे ही पकाई है हमने, ना सिम पे नहीं पकानी। सिम पे करेंगे तो पानी छोड़ देगी, फिर ओवर कुक हो जाएगी, इसलिए अब ये हम ठंडा कर रहे हैं अपनी सब्जियों को। जो मिक्सचर है हमारा स्टफिंग, जब ठंडी हो जाएगी तो हम इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे। देखिए ठंडी हो गई है, 1 कटोरी मेरे पास मोज़रेला चीज़ पड़ी है, मैं वो डाल रही हूँ। आपके पास स्लाइस वाली हो या कोई भी चीज़ आपके पास हो, अगर आपको मार्केट जैसा टेस्ट चाहिए और बिल्कुल बच्चों को पसंद आनी चाहिए, ऐसी बनानी है आपको, तो आपको चीज़ तो डालनी पड़ेगी। और चीज़ डालने से बहुत ही टेस्टी बदल जाता है हमारे पफ का, ना बिल्कुल मार्केट जैसा मैक पफ तैयार होगा। हम अपने जो डो तैयार कर रखा है हमने, उसके 2 पेड़े बना लेंगे, बड़ी बड़ी सी नॉर्मल सी रोटी बनाएंगे, जिससे कि एक ही साथ 3 से 4 पैटीज हमारी तैयार हो जाए। जो रोटी हम बना रहे हैं बड़ी सी, वो नॉर्मल बनाएंगे, बहुत मोटी और बहुत पतली नहीं बनाएंगे। जैसे नॉर्मल हमारा फुल्का होता है, बस उतनी पतली होनी चाहिए। साइड से हम एक्स्ट्रा जो ये टेढ़े मेढ़े हैं उसको क्लीन कर लेंगे। चाकू से हमारे पास पिज्जा कटर नहीं है, तो मैं अपना सारा काम चाकू से ही करती हूँ, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है। देखिए 3 से 4 पैटीज बना लेंगे हम एक साथ,
मैं तीन बना रही हूँ बड़ी बड़ी, इसमें अगर आप छोटे साइज की बनाएंगे तो चार भी बन सकती है। और शेप आप मार्केट जैसी भी बना सकते हैं, गुजिया समोसे की कोई भी शेप बना सकते हैं। हम एक एक चम्मच फिलिंग डाल रहे हैं इसमें, थोड़ी थोड़ी सी और ऐड कर लेंगे, क्योंकि अंदर फिलिंग इतनी होनी चाहिए कि साइड्स भी जो हमारे होती है ना फैट पफ की करारी करारी सी, ज़्यादा टेस्टी लगती है। थोड़ा सा पानी का हाथ लगा लेंगे साइडों में ताकि अच्छे से हमारी पैटी चिपक जाए, सील हो जाए। और ये जो हमारा प्लेन वाला है इसको इसके ऊपर रख के कवर कर देंगे, चारों तरफ से हम इसको दबा दबा के सील लॉक कर लेंगे ताकि स्टफिंग हमारी बाहर ना निकल पाए। और ये सूखा मैदा हम अपने फोक में लगा लेंगे और डिज़ाइन भी बन जाएगा और लॉक भी हो जाएगी अच्छे से पैटीज। देखिए एक पैटीज हमारी तैयार होगी, देख रहे हैं अभी से मार्केट जैसा लुक आ रहा है इसका। एक प्लेट में हम सूखा मैदा लगा लेंगे ताकि हमारी पैटीज चिपके नहीं। सरसों का तेल हमारा गर्म हो रहा है, आप रिफाइंड में भी बना सकते हैं और इसे बेक भी कर सकते हैं, लेकिन हम फ्राई कर रहे हैं। एक से दो जो जितनी भी आए आपके बर्तन में और आप आसानी से अल्टा पलटी करके पका सकें उतनी आप डाल लेंगे। बहुत केयरफुली अल्टेंगे पलटेंगे और इसे पकाएंगे हम। गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे, नहीं तो बाहर से पक जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। जब तक मेरी पैटीज तैयार हो रही है आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें नए हैं तो मेरे चैनल पे, और मेरी रेसिपी को लाइक करें, कमेंट्स करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने मेरी रेसिपी ट्राई करी तो आपकी पैटीज कैसी बनी और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रेसिपी को शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली में। देखिए हमारी पैटीज तैयार हो गई है, अच्छे से फ्राई हो गई है। हम एक्स्ट्रा ऑयल निकाल के इसको अलग निकाल लेंगे अपनी पैटीज को। ये गुजिया वाली शेप भी बनाई है, बच्चे अलग अलग शेप देख के खुश हो जाते हैं इसलिए। चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं, हमारी पैटीज सारी तैयार हो गई है। देखा कितनी झटपट बन गई और कितनी आसानी से और कितने कम सामान में। चलिए इंजॉय करते हैं पैटीज को। मैं आपको इसका जो क्रिस्पी बना है वो दिखाती, देखिए कितनी क्रिस्पी, बहुत ही खस्ता मुलायम। काट के दिखा देती हूँ आपको अंदर से स्टफिंग भी, कि स्टफिंग का क्या हाल है। देखिए बिल्कुल यमी क्रंची। बच्चों को ऐसे पफ वगैरह बहुत ही पसंद आती है, खा के बताते हैं कैसी बनी है हमारी चिकन पफ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी। चलिए मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।